हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप आई होप आप लोग सही होंगे। तो गाइस, आज मैं फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग करने वाला हूँ, और जो ब्लॉग होने वाला है मेरा ऑफिस, तो मैं आज से ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और मैं आपको दिखाऊँगा, जिम में जाके भी दिखाऊँगा किस चीज़ से जिम जाता हूँ। और मैं जो अभी बनाऊंगा अपना प्री वर्कआउट मील बनाऊंगा, और 6 बजे तो लेस 2 अंडे हैं, और हम इसका बनाएंगे ऑमलेट। ऑमलेट बना के और 2 अंडा हो गया, और ब्रेड टोस्ट करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, और इसको खाएंगे अपन, और फिर खा पी के फिर चलेगा जी। है गाइस, तो ओनली 1 टीस्पून तेल और सरसों वेले, कोई बात नहीं। तो है गाइस, ये अब मैं डाला अंडा, और इसको बन जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑमलेट बन के रेडी हो गया हुआ है, ये ऑमलेट बन के रेडी। ब्रेड में टोस्ट करूँगा, ब्रेड टोस्ट करने के लिए ऐसे ब्राउन ब्रेड मिला नहीं, और ये वाइट ही ब्रेड है, कोई कोई बात नहीं। तो 4 ब्रेड लेगा, ये छोटा छोटा ब्रेड है, ऐसा कोई बात नहीं, 4 ब्रेड खा सकते हैं। और थोड़ा टोस्ट कर लेते हैं, एक टोस्ट हो रहा है, इसको रख देते हैं यहाँ। तो गाइस, ब्रेड भी टोस्ट हो चुका है, अब ऑमलेट इस पर डाल के फिर जो खाया ना, मज़ा ही कुछ और होता है। इसको डालेंगे ऐसे, इसको इस पर, थोड़ी सी सोस मार। तो है गाइस, बन के रेडी हो चुका है, आप खा लो, थोड़ा मजे लो आप भी, अब हम भी मजे लेते हैं। तो है गाइस, तो अब चलते हैं जिम, थोड़ा बैग ले लो, बैग लेके जाते हैं जिम। और बाहर बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड, मत पूछो यार। ये देखो, जिस चीज़ से हम जाने वाले हैं जिम, यही है, यहाँ से 7 किलोमीटर जिम पड़ता है। और बाहर का नज़ारा अभी भी अंधेरा है, तो चलते हैं सीधा जिम अभी, और बाहर का भी नज़ारा आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर डायरेक्ट जिम में ही मिलेंगे हम। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, अभी भी अंधेरा दिखाई दे रहा है। चलते हैं जिम, ठंड भी बहुत लग रही है, अभी जो ठंड लग रही है ना गाइस, बहुत हार्ड। और कैब भी है जो घर पे रूम पे छोड़ रखा है, और मैं जो हमारा 7 किलोमीटर है गाइस, तो यहाँ से 7 किलोमीटर हम जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर। वाह भाई, ठंड में तो हालत ख़राब हो जाती है, ये तो पता ही है आपको। 7 किलोमीटर जाना है यहाँ, आधा घंटा लग जाती है यहाँ से, आधा घंटा लग जाती है यहाँ से, जाते जाते वही 6:30 हो जाता है, और आपको सीधा हम जिम में मिलते हैं। ओके, और अब ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं जिम के ऊपर जाके, अपना साइकिल पार्क कर देते हैं, अब फिर जाएंगे जिम में, और दिखाते हैं आपको। लाइट नहीं है जिम में, उतना भी लाइट नहीं है,
और आपको दिखाएंगे हम जी पूरा, थोड़ा साइकिल पार्क कर देते हैं। तो है डूड गाइज, तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर में आपको दिखाएंगे जी। दे रहा ना ऊपर में, दिख भी नहीं रहा कुछ भी, ऐसा तो लग रहा था बहुत खराब। क्या तो वह हम सीधा जाएंगे रूम पे, और साइकिल है उठाते सीधा रूम पे मिलते हैं आपसे, और मैं आपको पोस्ट वर्कआउट मील भी दिखा दूंगा। और तो सीधा जाते हैं अब रूम पे। सो डूड गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे, और चिकन ब्रेस्ट को उबालेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलो देखते हैं चिकन ब्रेस्ट। सो ये रहा चिकन ब्रेस्ट, तो इसको मैं हम धो के लाते हैं फिर उबालेंगे, और सीधा मिलेंगे खाने के लिए। सो तो ये गाइस बन के रेडी हो चुका है अपना चिकन ब्रेस्ट, आपको दिखाते हैं। ये रहा 200 ग्राम चिकन, एक बनाना। सो एंजॉय इस ऊपर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर डाला है, तो सो एंजॉय करो आप। Wow.
बैक में। सोचते हैं गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना। इसमें मैं आज जो भी डाला हुआ हूँ वीडियो, नॉर्मली वीडियो डाला हूँ, ज़्यादा मैं वर्कआउट किया नहीं उसमें। फिर मैं वापस आ गया, थोड़ा काम पड़ गया था, दुकान पे जाने का था बहुत जल्दी में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को भी दबा देना। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप फॉलो कर देना।